फाइनली सीबीएसई ने एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट लेकर आई है जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के माइंड में डाउट थे कि हमारा टर्म 2 कैसे होने वाला है, किस टाइप का होगा, क्या पैटर्न होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। इस अपडेट में जो है आपके लिए सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम जारी की है, साथ ही कुछ सैंपल पेपर जारी किए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पेपर है वो टाइप के आने वाले हैं, क्या पैटर्न होने वाला है। साथ ही हमें ये भी क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में कि जो हमारे एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं या फिर सब्जेक्टिव, कि हमें जो है वो तैयारी किस हिसाब से करनी है, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करनी है या फिर ऑब्जेक्टिव के। ऐसे ही जो आपके डाउट्स है टर्म 2 को रिलेटेड कि हमारे जो कितने मार्क के पेपर है, क्या है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो ये सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव तो जो हमारे सीबीएसई ने क्लियर हमें अपडेट दिया है उसमें ये क्लियर हो गया है कि जो हमारे पेपर होने वाले हैं वो होने वाले हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा जो मार्किंग स्कीम है वो 2 मार्क्स से स्टार्ट है, 1 मार्क हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सारे सब्जेक्टिव होंगे। तो जैसे कि पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं तो मीन्स आपको तुक्के भी नहीं भिड़ा सकते हो, आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, पूरे स्टेप्स पता होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपको सिर्फ गोला भर के नहीं आना है, आपको प्रॉपर लिखना है एक हमारे आंसर को, ताकि आपको प्रॉपर स्टेप के नंबर मिले, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अब जान लेते हैं कि जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो किस तरह होने वाली है। तो हम मैथ के पेपर को लेकर चलते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड हम दोनों की बात करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि जो हमारे मार्क्स है वो किस तरह के और कितने कितने क्वेश्चन है। तो हमारे जो है टोटल 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है, दैट इज आपको सेक्शन वाइज, अभी मैं आप सैंपल पेपर भी दिखा दूंगी। तो आप पहले देखेंगे जो हमारे शॉर्ट आंसर है वो हमारे 2 पार्ट्स में है, जो शॉर्ट है वो 2 मार्क्स वाले भी है एंड 3 मार्क्स वाले भी है। देन हमारे लॉन्ग आंसर है वो हमारे 4 मार्क में आएंगे एंड देन हमारी केस स्टडी है वो आएगी 4 मार्क्स में। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कितने क्वेश्चन होंगे टोटल। तो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क वाले वो होंगे टोटल 6। देन हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले वो होंगे 4 क्वेश्चन। देन हमारे लॉन्ग जो है वो होंगे 4 मार्क वाले 2 क्वेश्चन एंड जो हमारी केस स्टडी है वो 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो वो 4 मार्क्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मीन्स आपका जो एक क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स होंगे 2 2 मार्क के। तो इस हिसाब से जो है हमारी मैथ्स की पूरी मार्किंग स्कीम है। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक सैंपल पेपर। तो जो हमारा सैंपल पेपर है आपको शो हो रहा होगा, तो इसमें क्या है कि जो सेक्शन 1 है उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है जो कि 2 2 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन बी है उसमें आपको क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं जो कि ईच क्वेश्चन 3 3 मार्क्स की है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर्स दिए हैं जो कि 2 ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन 4 4 मार्क्स की है। देन हमारी केस स्टडी हमें गिवन है, केस स्टडी में वही हमने जो बात की थी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है और एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन 2 है। तो ये हमारा पूरा सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई ने जारी किया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इससे आपकी आपको जो है और क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे एग्जाम देना है। आप जो है इसकी तैयारी हमारे चैनल से भी कर सकते हैं, हम अपने चैनल पे एक टेक ओवर सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको टर्म 2 के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं। साथ ही हम सारे सैंपल पेपर 1 बाय 1 अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आप वहां से वो भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सारे सैंपल पेपर की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा टर्म 2 से रिलेटेड, कि जैसे कि हमारा पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है, किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या पैटर्न है और क्या क्या मार्क्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनके भी जो टर्म 2 से रिलेटेड डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है टर्म 2 से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।